बिग बॉस ने दी सुरभि को स्पेशल पावर्स, श्रीशांत करते हैं घर में जमकर हंगामा, सलमान लगाते हैं सुरभि और रोहित सुन चाहती की क्लास, घिनौना मजाक करना सुरभि और करणवीर को पड़ा भारी, नॉमिनेट हुए घर वाले, यानी इस बार वीकेंड का वार बेहद ही जबरदस्त और मसालेदार रहा। तो दोस्तों, यदि आपने किसी वजह से बिग बॉस का ये वीकेंड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कविता आपके लिए लेकर आई हूँ बिग बॉस की टॉप हाइलाइट्स। सोमी खान की वजह से बिग बॉस बॉयज फिर एक साथ नजर आते हैं। श्रीशांत, रोहित सुनचांदी, रोमिल चौधरी सोमी खान के लिए आंखें खुली हो या हो बंद गाना गाते हुए भी नजर आते हैं। उस दौरान सोमी खान सिर्फ शर्माती हुई दिखाई देती हैं, वहीं दीपक ठाकुर इस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं और सोमी का मजाक भी बनाते हैं। इसके बाद सलमान खान बिग बॉस में हो रहे हंगामे की फुटेज देख रहे होते हैं। घर वालों की तरफ से की जा रही बदतमीजी को देखकर सलमान गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लोग यहाँ इज्जत कमाने आते हैं और ये लोग इज्जत गंवाने आए हैं। आज मैं इन्हें दिखाता हूँ कि वीकेंड का वार आखिर होता क्या है। वही हर बार की तरह बिग बॉस ने काल कोठरी में सजा देने के लिए कंटेस्टेंट का नाम चुनने के लिए घर वालों से कहा। इस दौरान हर एक कंटेस्टेंट को दो नाम लेने पड़ते हैं जो उनके हिसाब से काल कोठरी की सजा के लायक थे, लेकिन बहुत चर्चा के बाद जब कुछ भी तय नहीं हो पाता तो बिग बॉस घर की कप्तान सुरभि को एक स्पेशल पावर दे देते हैं, जिससे सभी घर वाले नाराज होते हुए नजर आते हैं। इसका फायदा उठाते हुए सुरभि तीन नाम ले सकती हैं, जैसा कि सभी ने सोचा था। सुरभि के इस निर्णय ने सभी को हैरान कर दिया। स्पेशल पावर के हाथ में आते ही सुरभि राणा काल कोठरी की सजा के लिए दीपक, रोमिल और श्रीशांत का नाम लेती हैं। इसके बाद श्रीशांत बाथरूम में जाकर बैठ जाते हैं। श्रीशांत कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा और सबको नॉमिनेट करके चला जाऊंगा। इस दौरान श्रीशांत बिग बॉस के घर का दरवाजा खोलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सुरभि उन्हें समझाती हैं पर श्रीशांत उनकी एक नहीं सुनते। श्रीशांत दीपिका को इशारा करते हैं कि वो ये सब नाटक कर रहे थे और दीपिका मुस्कुराने लगती हैं। वहीं सुरभि के फैसले पर सलमान खान सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब सभी घर वालों ने काल कोठरी की सजा के लिए रोहित का नाम सबसे ज्यादा लिया तो रोहित जेल में क्यों नहीं थे। सलमान इस दौरान रोहित और सुरभि से पूछते हैं कि क्या आपको ऐसे ही लोगों की बेइज्जती करने में मजा आता है। सलमान खान कहते हुए नजर आते हैं कि सुरभि, दूसरों की गलती तो तुम्हें अच्छे से दिख रही है, लेकिन आपका बर्ताव जो हम लोग देख रहे हैं उसका क्या। जब आप कहती हो कि श्रीशांत सबसे बदतमीज गिरे हुए इंसान है, ऐसे में तो आप उनसे 10 गुना ज्यादा नीचे गिरने की कोशिश करती हो और गिर भी जाती हो। वहीं वीकेंड के वार में सलमान खान सुरभि और करणवीर को एक घिनौने मजाक के लिए भी डांटते हैं। इसके बाद बारी आती है कॉलर ऑफ द वीक की, जो कि रोमिल से सवाल करते हैं कि आप अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या आप गेम खेलना भूल गए हैं। इस पर रोमिल जवाब देते हुए नजर आते हैं कि मैं उनको उसी तरह से जवाब देता हूं जो मुझसे जिस लहजे में बात करता है। सलमान खान जसलीन और सोमी के बर्ताव और लड़ाई को लेकर भी अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। वहीं सलमान खान काल कोठरी के नॉमिनेशन पर भी चर्चा करते हैं, हालांकि वो सुरभि के इस फैसले से असहमत होते हुए भी नजर आते हैं। कहते हैं कि उनका ये फैसला सही नहीं था। घर वालों के बीच की टेंशन को बढ़ाते हुए सलमान खान बताते हैं कि इस हफ्ते कौन बेघर होने वाला है। सलमान खान कहते हैं जसलीन मथारू, रोमिल चौधरी, मेघा धड़े, दीपक ठाकुर और दीपिका कक्कर इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।